हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपिंग आप सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। लास्ट वीडियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने आपको बताया था कि यूनिट सेल कितने पार्ट में फाइनली कैटेगराइज होता है। ब्रेवाइस नाम के साइंटिस्ट के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था और हमने आपको बताया था कि ब्रेवाइस के अकॉर्डिंगली टोटल 14 अलग अलग टाइप के यूनिट सेल आए थे और उन 14 में से, ध्यान से सुने, उन 14 में से आपको केवल और केवल कितने टाइप के लैटिस आपके सिलेबस में पढ़ना है? तीन। पहला आपके पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा आपके पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ध्यान दीजिएगा कि बॉडी सेंटर्ड का और भी बहुत सारा हो सकता है, वो जो हमने साथ पढ़ा था ना उस वाले में, लेकिन उसमें से भी आपको सातों में से कौन सा वाला चाहिए? केवल क्यूब वाला चाहिए। सो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ जाता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरे वाले का नाम क्या पड़ जाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लास्ट वीडियो में हमने आपको एक एंड सेंटर भी बताया था और उस एंड सेंटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका क्यूबिक का केस पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, तो ऐसे कोई केस रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसे सॉलिड, सो दैट्स व्हाई उसको हम नहीं पढ़ते। अपने पास यही तीन चीजें होंगी, ध्यान रखें जैसे आपका ये तीनों खत्म होगा समझ लीजिए कि आपके चैप्टर का 90% पार्ट जो है वो निपट चुका है। हम इन तीनों का इन डिटेल इनकाउंटर करने वाले हैं, मतलब कायदे से सब कुछ समझने वाले हैं एंड कोरेस्पोंडिंगली जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग डील आउट करने वाले हैं। तो चलिए, वेलकम टू रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए, मतलब जो आपका सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर है और फेस सेंटर है, उसको समझने के लिए जो की पॉइंट्स है, मतलब जो वर्ड्स है जो वहां पर हम बराबर आपसे पूछेंगे, उन वर्ड्स को पहले यहां पर डील कर लेते हैं। एंड अलॉन्ग विद, आज चूंकि अभी ये चैप्टर अपना थियोरेटिकल चल रहा था इसीलिए कभी न्यूमेरिकल आया नहीं। डन। अब लेकिन अपना न्यूमेरिकल का तो पोर्शन धीरे धीरे आएगा ही आएगा और यकीन मानो चैप्टर टू में तो केवल न्यूमेरिकल के ही थ्रू हम अपने वहां पे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। सही है। तो हम अभी के डेट में इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो भी यूज्ड टर्म्स जो हम यूज करेंगे आपको सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और फेस सेंटर समझाने में, उन टर्म्स को हम यहाँ पे इलैबोरेट करने वाले हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने पहले टर्म से, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन उसके से भी पहले आप टॉपिक लिख लीजिए, जो ये सबका सब कंप्लीट जो आता है वो आपका टॉपिक आता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। किससे आता है भाई? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यहां ऑनवर्ड्स मैं आपको एक बात और बताऊंगा, एनसीईआरटी का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वह थोड़ा अलग है और जिस तरीके से हम डील करने वाले हैं वह तरीका थोड़ा सा अलग है, बट अल्टीमेटली चिंता मत करो आप लोग, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में सबके सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। डना, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना। आप ये मत सोचना कि सर ये तो अभी नहीं लिखा, पता नहीं एनसीईआरटी में तो काफी बाद में लिखा है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ का ऐसी भी बातें जानेंगे जो आप एनसीईआरटी के लाइंस में खोजोगे आपको मिलेगा नहीं, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हो पक्के से वहां वाला क्वेश्चन वह पर्टिकुलर पार्ट पे जरूर हिट करता है। डना, आए जरा इसीलिए इन सभी चीजों को थोड़े अलग तरीके से समझते हैं एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है उसके कंपैरिजन में, और स्टार्ट करते हैं अपना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इन्हीं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको कौन सा वाला पढ़ना है? सिंपल क्यूबिक समझना है, बॉडी सेंटर्ड समझना है और सबसे आखिरी में क्या समझना है? फेस सेंटर्ड समझना है। डन। अब उन तीनों को समझने के लिए वही मैं आपको बता रहा हूं, जो पहला आपका टर्मिनोलॉजी है जिसको अपने को समझना है वह है आपके पास क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में इसको समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समन्वय संख्या कहते हैं। बहुत आसान सा ये टर्म है, ऐसा कोई खास ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप देखो दो मिनट में आप समझ जाओ। डन। चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। लेट से मान लीजिए कि यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे जस्ट बगल में सटे सटे एक और बंदा खड़ा है और मेरे इधर से भी सटे सटे एक और बंदा खड़ा है। कितने बंदे खड़े हैं मेरे अगल बगल में? मेरे जस्ट अगल बगल में कितने बंदे खड़े हैं जो मेरे को टच कर रहे हैं? बताएं कितने बच्चे, कितने कितने लोग हैं ऐसे? सर दो। क्या आप उसमें मेरे को काउंट करोगे? नहीं सर, आपको क्यों काउंट करेगा? आपका तो बताना ही है ना कि आप में कितने लोग टच कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। डन। तो कितना आ जाना है अपने ऐसे? दो। चलिए एक और बात, मान लीजिए कि उसके बगल में भी एक और लड़का खड़ा है और इस साइड से भी जो मेरे बगल में है उसके बगल में भी एक और लड़का खड़ा है, फिर भी मेरे को कितने बच्चे, कितने लोग मेरे को टच कर रहे हैं? मतलब मेरी बॉडी को कितने लोग अभी भी टच कर रहे हैं? सर अगेन दो। हाँ, उसकी बॉडी को अब कितने लोग टच कर रहे होंगे? मतलब मेरे जो इस साइड था
उसको भी अब कितने लोग टच करेंगे, अब मेरा वाला पोर्शन भी काउंट होना स्टार्ट होगा और जो उसके बगल में खड़ा था वो वाला भी काउंट होना स्टार्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है आपके इस कोऑर्डिनेशन नंबर का, मैं आपको बताऊं काफी सिंपल भाषा में। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, फिर से सुने क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जो सबसे निकटतम, नेबर मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है, निकटतम पड़ोसियों की जो संख्या है वही आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। पल्ले पड़ा नहीं, मेरे जस्ट बगल में जो लोग मेरे को टच कर रहे हैं बस उनका आपको नंबर काउंट करना है। अच्छा सर आप सॉलिड स्टेट में कैसे घुस जाओगे? सेम वही बात है यार, सॉलिड स्टेट में एटम्स को, जहां पे भी एटम्स रखे हैं उसको फर्दर कितने एटम टच कर रहे हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आए जरा डेफिनेशन लिखते हैं फिर फर्दर इनको समझने की कोशिश करते हैं जैसे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे पहले चले डेफिनेशन लिखें, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम that any specific atom, कोई भी स्पेसिफिक आप एटम ले लो, एनी स्पेसिफिक एटम इन अ लैटिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे उसको, बोले क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकट वे में आप चाहे तो इसको CN भी कहते हैं। अगेन बच्चों ये आपका दोबारा आएगा चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां हम फिर से बात करेंगे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। क्या है डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम जो कि क्या करते हो, टच करते हो किसी भी एक एटम को इन अ लैटिस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या यहां तक के करीब में समझ में आ रहा है? आ तो रहा है सर, एक एग्जांपल थोड़ा अगर बना के दिखा दें तो थोड़ा और बेहतर लगेगा। आए जरा एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते। लेट से मान लो ये अपना हो गया गोला नंबर वन, मतलब ये आपका हो गया एटम वन जिस पर अपने को चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि इसको कितने एटम टच कर रहे हैं। तो अभी आप एक बात बताओ, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? सर जीरो, कहां, कोई अगल बगल में तो कोई एटम दिख ही नहीं रहा, आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया। सही बात है, अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जीरो होगा ना। आए जरा एक और, हम आपको जस्ट इसके बगल में एक और एटम रख दिए यहाँ पे, और यहां पर भी हमने आपको क्या रख दिया, यहां पर भी हमने आपको एक और एटम रख दिया। अब बताएं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इन टर्म का सर क्या यूज आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये भी चीज चल रहा होगा कि सर इस टर्म का क्या यूज आएगा। बिल्कुल आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से उठते हैं, बोर्ड ही नहीं आपके जेई के भी एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टर्म है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ रहे हैं और एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं। तो आप एक बात कहो, अभी इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, एक ही एटम और एक ही एटम, ये एटम का सेंटर बना दे रहे हैं बीच में हम, ये आपका एटम का क्या हो गया, सेंटर। तो अभी अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो डन ना सर, एक और कोई एग्जांपल बना के दिखाओ फिर ज्यादा बेहतर समझ में आया। तो चलो जरा हम एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे देखो बहुत मुश्किल होता है बोर्ड पर गोला बनाना, बट आप समझ लेना ये दोनों के दोनों टच कर रहे हैं यार, है ना। या मान लो ना कि इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे होंगे। चलो ये तो यूं बना दिया, चलो अब एक ये भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं कुछ तो इस तरीके से भी बना देते हैं। ये थोड़ा सा सर्कल करने में थोड़ा दिक्कत होगा, आप नॉर्मली यूं अगर सिक्के विक्के घर में रख के करोगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आए जरा एक और इस पे बना देते हैं यूं, एक ऐसा हो गया और एक यूं कर दिया। अब आप एक बात तो चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। बताना जरा, मैं पहले ना एटम को पेंट करता हूं जिसके बारे में मेरे को पूछना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बीच वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो कितना दिख रहा है आपको, बताए कितना दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे बीच वाले एटम का।
सर एक एटम तो ये टच कर रहा है, चलो भैया इस एटम का सेंटर डालो, एक ये एटम टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एक ये एटम भी टच कर रहा है और एक ये एटम भी टच कर रहा है, कितने एटम टच कर रहे हैं यहाँ पे, चार, चार कर रहे हैं ना, तो चार के हिसाब से आप यहाँ पर क्या बोल दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना निकल करके आ जाएगा, चार। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, सही है यहां तक के करीब में? तो देखिए जरा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो टॉपिक है वह टॉपिक आपका क्लियर होगा, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस एटम्स क्या करने चाहिए, उसको टच कितने दूर पे कर रहा है, कहां मतलब कितने एटम्स टच कर रहा है, ये अपने काम की चीज है। इसका हम लोग यूज करेंगे अपने अगले वीडियो में जब हम आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है, सही है यहां तक? डर बढ़े आगे आए जरा, चलिए इस टॉपिक को नोट कीजिए आप लोग फटाफट से, इसके जस्ट बाद इसको हम मिटा करके आपको हम अगला एक और टर्म है और उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, बस छोटा सा वीडियो अपने वाला बनने वाला है, डन, फटाफट इसको नोट कीजिए, कर लिया क्या? आए जरा इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत आसान आसान दोनों टर्म्स है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड को समझ सको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने आपको मोस्टली जो चीजें वो एनिमेशन के थ्रू समझाया है, तो शायद से आपके दिमाग में वो चीजें काफी अच्छे तरीके से दिमाग में जाके बैठ रखा होगा। डन, आए जरा आगे बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप के बारे में। जो सेकेंड टर्म है जो कि आपको पढ़ना है वह है आपका पैकिंग इफिशियंसी। क्या है आपका पैकिंग इफिशियंसी? पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग एफिशिएंसी को भी हम लोग बोलते हैं, इसको ना आप एक काम कर सकते हो, इसको आप पीएफ नाम से डालो। क्या डाल दो? पीएफ भी कहते हैं शॉर्टकट वे में, जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे बोलचाल की भाषा में। डन, क्या लिखा है यहाँ पे? पैकिंग एफिशिएंसी लिखा है। देखो बच्चों इसका जरूरत के ऊपर है, सबसे पहले नहीं हम लोग ये समझना स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात बताओ, एटम का शेप क्या होता है? स्फीयर, सबको पता है ना। चलिए आप स्फीयर को कितना भी टाइटली पैक करोगे, फिर से सुने क्या बोल रहे हैं, आप एटम को कितना भी टाइटली पैक करोगे, एटम को आप कितना भी टाइटली पैक करोगे, बीच में कुछ ना कुछ तो गैप बचा रह जाएगा। सर टाइटली पैक करेंगे तो गैप कैसे बचेगा? सीधी सी बात है, अभी भी आपने स्फीयर यहाँ पे बनाया था तो आप देख रहे थे कि बीच में कुछ ना कुछ पोर्शन क्या था, कुछ ना कुछ पोर्शन बीच में खाली था ना खाली? क्या ये बात समझ में आ रहा ना? तो एटम आपका कितना भी भले से टाइट पैक हो, बट कुछ ना कुछ पोर्शन वहां क्या रहता है, कुछ ना कुछ पोर्शन आपका खाली रहता है, सही है। तो किसी भी एक यूनिट सेल में, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था सिंपल क्यूबिक कैसा दिखता है, बॉडी सेंटर्ड कैसा दिखता है एंड फेस सेंटर्ड कैसा दिखता है, तो आपने देखा था कि कुछ ना कुछ तो यार उस एक यूनिट सेल में, ध्यान से सुने, कुछ ना कुछ तो उस एक यूनिट सेल में जगह क्या थी, जगह खाली थी, थोड़ा ना थोड़ा जगह खाली रहता है, जिस पर अपने को इन डिटेल बात करना है जब हम वॉइड नाम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आप उसको रिक्त स्थान बोल सकते हो, आप उसको होल बोल सकते हो, आप उसको वॉइड्स बोल सकते हो। मोस्टली इस चैप्टर में हम लोग वॉइड्स वर्ड से उसको डिनोट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सही है। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताना चाह रहा है आपको? पैकिंग एफिशिएंसी सिंपली आपको इतना ही बताना चाह रहा है कि एक यूनिट सेल का, वैसे हमने आपको बता दिया कि मोस्टली आपको क्यूब के साथ ही डील करना है ना, तो एक क्यूब का कितना प्रतिशत भाग आपका एटम से भरा है वही क्या कहलाएगा, आपका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। बहुत ढंग से अगर आप डेफिनेशन सुनोगे तो कम से कम हिंदी मीडियम में तो डेफिनेशन आपको दिमाग में आपके छप ही जाना है। क्या बोला हमने आपको, किसी भी यूनिट सेल में कितना प्रतिशत भाग, प्रतिशत मतलब पर सौ में कितना प्रतिशत भाग आपका एटम के थ्रू भरा पड़ा है, कितना प्रतिशत आयतन वॉल्यूम आपका एटम के थ्रू भरा पड़ा है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आए जरा डेफिनेशन लिखते वक्त भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एन एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लाइन, ध्यान रखना एन एटम मत लगाना अपने को ना, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल, प्रेजेंट इनसाइड
टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल, अ यूनिट सेल, यूनिट सेल विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बात करें, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैकिंग इफिशियंसी। क्या ये बात समझ में आ रहा है, उसी को ही हम लोगों को क्या बोल देना है, उसी को ही हम लोगों को बोल देना है पैकिंग इफिशियंसी। क्या यहां तक की कड़ी में कहानी समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सी चीज। किसको बोला हमने पैकिंग इफिशियंसी, कि कितना वॉल्यूम एटम के द्वारा किसी भी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के रिस्पेक्ट में या फिर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में, क्या कहलाता है आपका, पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। चलिए जरा अब इसके फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, पीएफ डालो यहां पे और यहां क्या डाल दो, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मैथमेटिकली लिख रहे हैं यहां पे, ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल और इनटू कितना कर दो आप, इनटू कर दो आप 100, क्या निकल जाएगा आपका, आपका निकल जाएगा पैकिंग इफिशियंसी फॉर अ लैटिस। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, आप एक यूनिट सेल के लिए बात बोलोगे और आप इंटायर सॉलिड के लिए भी आप वही बात कमेंट कर सकते हो, क्या ये भी बात आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि हम लोग कौन से सिस्टम को पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और क्रिस्टलाइन के केस में किसी छोटे जगह पर जो पैटर्न होता है वही लंबी दूरी पर भी सेम ही पैटर्न होता है, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट उसी हिसाब से होगा। तो थ्रू आउट आप सॉलिड के लिए भी क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि उसके अंदर में एटम का पैकिंग इफिशियंसी कितना है, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा 50%, 60%, 70%, 80%, व्हाटएवर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका दूसरा टर्म है जिस टर्म को हम बराबर यूज करेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, जिसको हम बराबर यूज करेंगे बॉडी सेंटर के लिए, जिसको हम बराबर यूज करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, मतलब पैकिंग एफिशियंसी हम निकालेंगे क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है अपना, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको पढ़ना है यह तीनों चीज, और इन तीनों चीज के लिए हम सिंपल क्यूबिक के लिए निकालेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, हम बॉडी सेंटर के लिए निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, एंड फेस सेंटर के लिए भी निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, या फिर वो किसी पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है, या फिर इंडिपेंडेंटली कुछ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है। हम इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे अगले अगले वीडियो। डन, आए जरा अभी हमने आपको ये वाला छोटा सा कंसेप्ट बताया आपको, देन चलिए जरा इसी बिहार पे एक न्यूमेरिकल दिमाग में आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल करना। इतना जरूर आपको बता रखा है और ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप न्यूमेरिकल खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए जरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप इसको नोट कीजिए, कर लिया नोट, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हो। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट न्यूमेरिकल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को, आए जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन क्या बनाए, चलिए आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इफ साइड लेंथ, इफ साइड लेंथ, पैरेलली लिख के चला मेरे से, मेरे साथ भी क्वेश्चन, इफ साइड लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर, कितना बोला हमने 200 पिकोमीटर, पिकोमीटर से तो आप सब लोग वाकिफ हो गए होंगे, 11th क्लास के पहले चैप्टर में बताया जाता है, एंड 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 मतलब को आप तो आगे ऑल्सो लिख लो बेहतर है, ऑल्सो
रेडियस ऑफ एन एटम इज गिवन एज, मान लो कितना हो जाएगा 100 पिकोमीटर. डन. इफेक्टिवली वन नंबर ऑफ एटम क्या, वन एटम ही डायरेक्टली लिख लो ना. इफ वन एटम इज प्रेजेंट इन अ क्यूब, देन फाइंड भी नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा. देखो अपने मन से जब लाइन लिखना होता है ना तो थोड़ी सी तो गड़बड़ी हो ही जाती है. देन कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी. तो देखो हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहे हैं, पैकिंग इफिशियंसी आपको निकालना है. क्या ये बात समझ में आ रहा, सवाल समझ में आ रहा? तो आप चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और उसके जस्ट बाद खुद इस न्यूमेरिकल का आंसर निकालने की कोशिश करें. डन, सही है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना. देखिए जरा आपसे क्या पूछा है, पैकिंग इफिशियंसी पूछा है, फिर आप पैकिंग फ्रैक्शन बोल दो. पीएफ भी लिखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए ही होता है ना. तो इफिशियंसी बोल दो या पीएफ बोल दो, पैकिंग फ्रैक्शन बोल दो, बात सेम है, उसके लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो. चलिए भाई बात करें जरा यहाँ पे कि निकाला क्या आपने को पैकिंग फ्रैक्शन. चलिए दो बातें और दे रखी है कि एक यूनिट सेल, और मोस्टली वह यूनिट सेल कैसा सा होगा आपका, क्यूब ही होगा अगर कुछ नहीं दे रखा है तो. क्योंकि अपने को कैसा यूनिट सेल डील करना है, क्यूब डील करना है. डन ना. आए जरा अब बात करें जरा एक क्यूब के बारे में. तो क्यूब का साइड लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है क्यूब का साइड लेंथ दे रखा है. तो देखो बच्चों यहाँ पर हम उसी डेटा को यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, इट इज गिवन दैट. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव जब कभी भी आप बोर्ड के पेपर में सॉल्व करते हो तो इस तरीके से लाइंस आपको स्टार्ट करना आना चाहिए. पहला न्यूमेरिकल है, आप सब लोग इसको बहुत तेजी से कॉपी कर ले अपने दिमाग में कि कैसे हम न्यूमेरिकल को लिखते हैं. कभी कभार आपका आंसर नहीं है तो आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी आपको 5 में से या 4 में से 2 या 3 नंबर तो दे दे, ये बहुत जरूरी चीज है. क्योंकि बायो वाले लोग थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से हल्का कतराते रहते हैं, हल्का सा मैंने देखा है यहाँ पर, खास करके वैसे बिहार साइड में ये चीजों की थोड़ी ज्यादा दिक्कत है. बट खैर कोई नहीं, अगर आप रिप्रेजेंट तो करके छोड़ दो यार, फाइनल आंसर तो बात की बात है. अब कोई हाथी घोड़ा तो आपसे पूछ ही नहीं लेगा न्यूमेरिकल में, है ना. आए जरा सॉल्व करते हैं इसको. इट इज गिवन दैट करते हमने स्टार्ट करा, क्या क्या दे रखा है आपको. साइड लेंथ को क्या मान लेना आपने, ए बराबर कितना दे रखा है, 200 पिकोमीटर. क्या दे रखा है, 200, और कितना दे रखा है, पिकोमीटर दे रखा है. एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई करें कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले. ऐसे यहां पर तो नीड नहीं है बट फिर भी आप कर लो यार, क्या दिक्कत रहेगा. मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 200. और आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप कॉपी के टॉप पे लिख लो, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10 की पावर 12, और आगे कितना हो जाएगा मीटर, पता है ना. तो चलिए जरा 200 × 10 की पावर कितना कर दोगे, 12, और आगे क्या लगा दोगे, मीटर. सही है. अच्छा जी एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि सर थोड़ा जीरो को एडजस्ट कर दीजिए. अब जरा अगर मैं आपको जीरो को एडजस्ट करूं तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 10 की घात, यहाँ पर 100 है तो 100 को क्या लिख दोगे, 10 की घात 2 लिखोगे ना. और इनटू कितना हो जाएगा, 10 की घात -12, और आगे क्या लग जाएगा आपका, मीटर. डन, कुछ समझ में आ रहा है क्या. फिर आपने 8वीं क्लास में गणित में सीखा होगा, नहीं सीखा तो चिंता मत करो, पहला न्यूमेरिकल मैं आपको सारी बातें बताऊंगा. जब जब आपका आधार सेम होता है, मतलब जब जब आपका बेस सेम होता है और गुना का बीच में साइन होता है तो पावर क्या कर जाता है, पावर आपका जुड़ जाता है. देखें इस चीज को भी आप चाहे तो कॉपी के टॉप पे लिख लें, क्योंकि बाबू आपके आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में यही चीजें काम आनी है. लेट से मान लो a की पावर m है. डन. अब अगेन अगर मैं आपको बोलूं b की, अगेन a की पावर क्या है आपके पास, n है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a की पावर आप चाहे तो इसको कलेक्टिवली क्या लिख सकते हो, a की पावर m+n. क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m+n लिख सकते हैं. डन. आए जरा इसको हम यहां पर कलेक्ट करके लिखते हैं तो कितना बन जाएगा, 2 × 10 की पावर -12 और +2 मिला करके कितना बन जाएगा, -10, और आगे क्या लग जाएगा, मीटर. अब डेटा को अपने यूनिट में पहले ही ले आए ताकि मेन फॉर्मूला में रखते वक्त आपसे गलती ना हो.
डन आए। दूसरी बात करें, दूसरा आपको क्या डेटा दे रखा है, रेडियस के बारे में बात कर रहा है। रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 100 पिकोमीटर। कितना दे रखा है, 100 पिकोमीटर। चलिए जरा स्टार्ट करें, 100 और इनटू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 12 और आगे क्या लगा देंगे मीटर। सेम वही करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम वही करोगे तो आपको 1 और इनटू कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस का 12 और आगे आ जाएगा मीटर, मतलब 1 इनटू 10 की पावर माइनस का 10 और आगे क्या लग जाएगा, आगे लग जाएगा आपके पास मीटर। क्या यहां तक की गणित में समझ में आया, हमने जो भी डेटा दे रखा था हमने वो चीज तो आपको यहाँ पे लिख दिया। चलिए जरा आप सवाल को थोड़ा मिटाते हैं और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। अभी जानबूझ के बीच में से फॉर्मूला नहीं मिटा रहे क्योंकि इस फॉर्मूले का तो काम ही आ जाएगा। आप बस अपने कॉपी में अगेन जहां यूज मैं बताऊंगा आपको वहां पर आप ये फॉर्मूला टिपका लेना। ए और आर तो बोल दिया, अब अगला क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, जस्ट इसके बाद आपको निकालना क्या है वह आप जरूर यहां पे लिखिए। वी हैव टू फाइंड क्या निकालना था आपको, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर आप क्या बोल दो पैकिंग फ्रैक्शन। डन, ये तो आपको निकालना होगा, ये दे रखा था ये आपको निकालना है। अब आगे कैसे स्टार्ट करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे वी नो दैट से, किससे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, जानते हैं आप ये पैकिंग फ्रैक्शन के लिए ये हो, जानते हो ना। तो आप क्या कर लो, आप कर लो लाइक इस फॉर्मूला को यहां पर डालो। डन, डाल दिया ये वाला फॉर्मूला यहां पे, आराम से लिख लो इसको। चलिए अब इसी चीज को ना हम थोड़ा सा फिगर वाइज में लिखने की बात करते हैं। चलो जरा बात करें जरा यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, कितना होगा बताएं, बताएं कितना होगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। अब आप एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना था आपके पास, एक था ना। चाहो तो एक डेटा और डाल दो यहां पे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने थे आपके, नंबर ऑफ एटम्स कितने थे भाई साहब, नंबर ऑफ एटम्स भी आपके 1 थे। सही है, बताएं कि आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है यहां पे, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एक एटम के द्वारा, शाजी वो तो ठीक है कि एक एटम के द्वारा जो एटम का वॉल्यूम होगा, फिर एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एटम का वॉल्यूम निकालेंगे जो आपके स्फीयर का वॉल्यूम होता है जो कि आपने 8-9 क्लास में पढ़ा है। और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आप सब जानते हो, वह इक्वल होता है 4/3 आगे क्या हो जाएगा पाई और क्या हो जाएगा आपके पास आर क्यू और अपॉन में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल का मतलब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल का मतलब होता है ए क्यू और इनटू कितना हो जाएगा आपका, इनटू हो जाएगा आपके पास 100। क्या यहां तक के करीब में कहानी समझ में आ रहा है, सही है बताए ना। तो इस चीज को तो पहले आप लिख लो एंड देन आफ्टर आप इस फॉर्मूले को लिख लो। क्या लिख लो आप इस फॉर्मूले को लिख लो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है आप सब जानते हो कि एक घन का वॉल्यूम कितना होता है, घनाफ का तो अलग आ जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाता है, लेकिन क्यूब के केस में जब तीनों बराबर होता है तो आपका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, सिंपली ये निकल जाएगा। मैंने बताया था ना कि सवाल बहुत आसान है, करें जरा आगे सवाल। तो यहां कितना लिखोगे आप 4/3, यहां कितना लिखोगे 22/7 और यहां क्या लिखोगे आर क्यूब, क्या क्यूब आर क्यूब। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है 1 × 10 की पावर माइनस के 10 का क्या करना है क्यूब। इतना ही नहीं आगे मीटर भी है, मीटर का भी आपको क्यूब करना है, हमेशा यूनिट को साथ में लेके चले। अपॉन क्या करना है ए का क्यूब, ए आपका कितना है 2 × 10 की पावर माइनस का 10 ना, तो 2 × 10 की पावर माइनस का 10 आगे अगेन मीटर का क्या लगा देना है अपने को क्यूब और इनटू कितना कर देना है, इनटू कर देना 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। अब अगर परसेंटेज में नहीं निकालना होता तो हम सिंपली फ्रैक्शन में निकाल देते। क्या ये बात समझ में आ रहा है, आए जरा अब इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आगे आपका फर्दर ये बढ़ेगा। अभी डेटा हमने अपने मन से लिया है, देख लेते हैं कि कितना ये चीजें जाता है आगे आपका। आओ जरा तो क्या करें, अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने में भी कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, बहुत ध्यान से देख लो यार। अगर मान लो कि आपको a into b की पावर में अगर मान लो m लिखा है, अगेन इस चीज को कॉपी के टॉप पे लिखो क्योंकि जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो बार बार इसके बारे में बात करेंगे तो अपना टाइम कंज्यूम होगा ना। तो इसीलिए आप देख लें एक बार फिर बता रहे हैं कि कभी भी पावर में कुछ भी रहता है डन, तो आप इसको इंडिविजुअली क्या लिख सकते हो, a की पावर भी m लिख सकते हो
टाइम्स आप बी की पावर भी एम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गणित आपको यह पर्टिकुलर चीज अलाउ करता है। डन, आए जरा अब हम इसकी बात करें। यहां पे तो कितना बन जाएगा, 4/3, तो ठीक है अभी रहने दो इसको ऐसे से ही। 22/7 कितना हो जाएगा, 7। 1 का करो क्यूब तो कितना आ जाएगा, 1। अच्छा जी, 10^-3, 10^-10 का क्या करना आपको, होल क्यूब करना है। यहां अगेन एक 8th क्लास का फॉर्मूला लग रहा है, हम आपको फिर बता दे रहे हैं। कभी भी a की पावर m की पावर में क्या होता है, n होता है। ये सब बहुत छोटी दिक्कतें हैं बच्चों, लेकिन हमने देखा है कि क्लास 12th के बच्चे ऐसी चीजों में फंसते रहे। डन, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करना, वरना सीधा मैं आपको बोलता कि आप इसको सॉल्व कर लो आपको आंसर मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत छोटी सी चीज है जिस वजह से आप न्यूमेरिकल से कतराते हो, वो ऐसी सी चीज है बस। अब अगली बार जब ये चीजें आएंगी तो आप बिल्कुल प्रॉम्प्ट होके कर लेना। अब जब कभी a की पावर m की पावर अगर n होता है तो इसका यही मतलब है a की पावर m और इंटू क्या करना है आपको, इंटू कर देना है n। अब यहां कितना है, माइनस का 10 और इंटू कितना है, 3। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 30। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोग फिर मीटर को भूल जाते हैं। मीटर का भी यहां पे क्या निकल के आएगा, मीटर का भी यहां पे निकल के आएगा क्यूब। इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। डिनोमिनेटर में आ जाए, 2 का क्या करो आप अलग से क्यूब करो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाना आपने, 30, वही जैसा था। और इंटू भी कितना आ जाना आपके पास, मीटर क्यूब, और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 100। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब को आप उड़ा दो, उड़ गया ना। फिर 10 की पावर माइनस 30 से 10 की पावर माइनस 30 को भी आप उड़ा दो, उड़ गया। चलिए अब बात आती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। अगेन सुने, यहाँ 8 लिखा है ना, चलो जरा मान लो कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अच्छा चलो पहले जो बचे हुए टर्म्स हैं हम पहले उसको आपको कलेक्ट करके रख देते हैं। बचा हुआ टर्म कितना हो गया आपके पास, आपके पास टर्म हो गया 4 और इंटू 22 और इंटू कितना हो गया, 1। ऐसे नहीं करते हैं, अभी सिंपल करते हैं, 4/3 और 22/7 और अपॉन में कितना दिख रहा है आपको, 8, और इंटू कितना है भैया वहां से लेके चल चलो 100, यही है ना। अब आप बड़े ध्यान से देखो, जब 8 लिखा है नहीं कुछ है तो आप क्या मान लोगे, 8/ कितना है, 1। अगेन यहाँ पे 8th क्लास की चीज है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, मत सोचना। जिनको आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो बहुत आराम से देखे कि लेट से मान लो कि आपके पास a by b और y में अगर कभी भी c by d रहता है, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप क्या करो ना, b को उठा के कहाँ डाल दो, a के पास, और b को कहाँ उठा के डाल दो, c के पास। वो कुछ नहीं आता, मतलब या फिर जिनको यहाँ वाले पोर्शन में दिक्कत है वो बड़े आसानी से इस भाषा से चीजें समझ सकते हैं। क्या बोला, लास्ट वाले को उठा के फर्स्ट के साथ डाल दो, सेकंड वाले को उठा के थर्ड के साथ डाल दो, गुना में, इसमें गुना में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका AD, और अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा आपके पास BC। बहुत लोगों को ये चीज आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख ले जिनको ये नहीं आता है। डन, तो ये एक उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर, और इसके बगल में क्या आ जाएगा आपके पास, 8। तो क्या बन जाएगा, 4/22 और कितना हो गया, 100, और अपॉन में कितना हो गया, 3×7× कितना हो चुका आपके पास, 8। कितना हो चुका है, 8। डन, अब देखिए जरा अभी तक के करीब में इतना उल्टा पुल्टा गुना भाग था, बट अभी तक के करीब में हमने कोई रफ कैलकुलेशन नहीं किया, एक्यूरेट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कुछ टर्म्स कटते हुए भी दिख रहे होंगे, जैसे ये 2 टाइम कट गया या आपका 11 टाइम कट गया, तो फाइनली क्या बन गया आपके पास, 11/21 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लगभग आपके पास 21, और इंटू कितना आपके पास, 100। इंटू कितना आपके पास, 100। अब आप एक बात बताओ, चलो जरा जैसे मैं आपको बताऊं सबसे आखिरी केस में, अब तो आपका देखो बहुत सिंपल हो गया, तो आप आइदर इसको भाग कर लो अलग से निकाल के, 21 को आप काट लो लेट से 110 से, फिर आगे चल के 0 उठा लेना, मतलब बगल में गुना कर देना उसमें 10 से, यानी तो आप जरा मेरे हिसाब से थोड़ा सा समझने की, मतलब फील करने की कोशिश करें, 11/2 कितना होता है, 22, मतलब जस्ट कहां पहुंच रहा है, 50%, जस्ट कहां पहुंच रहा है, 50%, मतलब 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो 2 से थोड़ा सा कम होगा तो कहां पहुंचेगा, 1.9 के अप्रॉक्स पहुंचेगा ना, 1.9 पहुंच गया यहां पे, 1.9 यहां पे पहुंच गया। तो ये एक बात बताओ, अब अगर 2 होता, कतई 2 होता तो ये कितना परसेंट हो जाता, 50%। सोचे, कतई ये अगर 22 होता तो 11/22 2 टाइम काट देते, और 2 से 100 को काटते तो कितना बन जाता, 50% आंसर आ जाता पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ 22 नहीं है, 21 है, मतलब हर जो है आपका डिनोमिनेटर जो है आपका वो थोड़ा कम है,
कम है तो ये कटेगा, लेट से मान लो कितने से, 1.9 से कटेगा, कटेगा। अच्छा जी, दो से काटते तो 50 आता, अब दो से कम से काट रहे हो तो क्या आ जाएगा, 50 से ज्यादा आना चाहिए या 50 से कम आना चाहिए? नहीं, सोच सकते हैं हम लोग, बहुत आराम से सोच सकते हैं। इस चीज को आप अगर लाइव बैठे रहते मेरे सामने शायद बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत बच्चों की मैथ्स ऐसे वाले जो है ना, ओरल कैलकुलेशन, इन सभी चीजों से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे ना, वहां भी आपकी स्पीड काफी तेज रहेगी। इसलिए हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं आपसे, सही है ना, क्योंकि आपके ओरल कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा और ये चीजें फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत फायदेमंद होता है। और न्यूमेरिकल जहां लगने लग जाएगा, जब आप समझ जाओगे कि आपसे फिजिक्स बन रहा है या फिर आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है। डन, आए जरा फिर से सुने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर 22 होता तो 11 दुनी 22 दो मरतबे आराम से कट जाता, फिर 2 से 50 हो जाता कतई, एकदम क्लियर कट 50 आंसर आता। 22 नहीं है यहाँ पे, क्या है 21। जैसे अब अगर यहाँ 21 है तो 11 से कितने टाइम्स कटेगा, 11 से कटेगा आपके पास 1.9 समथिंग, ये भी मैं ओरल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। अब ये अगर 1.9 हो गया, 2 होता तो 50, अब 2 से कम है तो साफ सीधी बात है इसको 50 से ज्यादा जाना पड़ेगा। तो लेट से मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 52% के आसपास में आएगा जो कि आपका आंसर होगा। कैलकुलेटर से भी या फिर आप इसको एक्चुअल कैलकुलेट करके भी आप थोड़ा कोरिलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट मतलब मैं कोरिलेट करने नहीं जा रहा हूं, बट अप्रोक्सीमेटली आपका 52% के आसपास में आंसर आएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, क्या यहां तक की गणित में कोई दिक्कत? मैंने अभी आपको इस वीडियो में दो टॉपिक बताया। पहला मैंने आपको बताया क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या होता है। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, कि पैकिंग फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, वह कितना प्रतिशत भाग एटम के द्वारा किसी भी एक यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड होता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है, संकुलन क्षमता उसको हिंदी में कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही, सही है यहां तक? इसके बिहाफ पे हमने आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया और आपके सामने उसको पूरा सॉल्व करा, और अलॉन्ग विद बहुत छोटे छोटे जो मैथ्स की चीजें हैं जहां आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हो, उन मैथ्स वाले पोर्शन को भी हमने अपने इस वीडियो में कवर करा है। तो इन चीजों को जो है आप अपनी कॉपी के टॉप पे लिख लो, कहाँ लिख लो आप, टॉप पे लिख लो, मतलब जो ऊपर का जगह रहता है ना, ताकि कभी भी आप नोट्स फेरो तो आपको वो चीजें चमके, और उसका यूज कहीं पे भी आप कर सकते हो, अपने मैथ्स की क्लास में आप कर सकते हो, फिजिक्स के कैलकुलेशन में आप कर सकते हो, यहां तो मैं आपसे करवाऊंगा ही करवाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इतना आज की वीडियो के लिए काफी है, थैंक यू।